लास्ट ऑफ अस पार्ट टू मोस्ट अवेटेड गेम करंट जेन पे। भाई इस गेम के साथ जितने सीन हुए हैं ना, लिटरली मैं कह रहा हूँ किसी और गेम के साथ नहीं हुए होंगे। इंडिया में जब आपस में यार दोस्त बात कर रहे होते हैं, मोस्टली जब हम किसी ऐसी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई क्लेश इन्वॉल्व होता है, तो आपस में यही स्लैंग यूज़ करते हैं ना कि भाई सीन हो रहा है। मुझे लगता है इस समय सोनी के एग्जीक्यूटिव्स और नॉटी डॉग के एग्जीक्यूटिव्स आपस में यही स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे कि भाई ये क्या सीन हो रहे हैं यार, इसको रेक्टिफाई करो, इसको जल्दी से ठीक करो। तो भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू की रिलीज डेट को लेकर। नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है, गेम डिले पे डिले हो रही थी, अब दोबारा से इसकी नई रिलीज डेट है June 19th। अब आप बोलोगे जून में एक और प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव आ रही थी जिसका नाम था गोस्ट ऑफ सुशीमा, उसका क्या हुआ, दोनों गेम्स एक साथ आ रही हैं? तो नहीं भाई, गोस्ट ऑफ सुशीमा अब डिले होके हो गई है July 17th के लिए फाइनलाइज। अब आयरन मैन VR, द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू, गोस्ट ऑफ सुशीमा, साइबरपंक और वॉच डॉग्स, प्लेस्टेशन 5, एक्सबॉक्स सीरीज, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है डिले होने वाली हैं। लास्ट ऑफ अस पार्ट टू का डिले होते होते चलेगी जून तक। अब देखो फाइनल रिलीज डेट ये है या नहीं है, ये तो हमें जून में ही पता चलेगा। पता चले जून आते आते फिर से डिले हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये गेम ना जितनी कंट्रोवर्सी इसकी रिलीज डेट को लेके हो गई है, जितनी इसकी स्टोरी को लेके होनी चाहिए थी, सब लोग एक्साइटेड थे कि द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत लोग वेट कर रहे थे कि स्टोरी होगी ऑसम, ये वो। आप लोगों में से जब मैंने बताया था कि ये गेम दोबारा से डिले हो गई है इनडेफिनेटली, तो आप में से कितने लोगों के कमेंट नीचे आ रखे थे कि भाई अब नहीं खेलेंगे हम ये गेम, भाड़ में जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हुआ क्यों है, पूरा सीन क्यों हुआ है। तो एकदम से हबड़ा तबड़ी में नॉटी डॉग ने आज क्यों अनाउंस कर दिया कि भाई जून 19 को इस गेम को रिलीज़ करना पड़ेगा, वो इसलिए गेम पूरी ऑनलाइन अवेलेबल है। स्पॉयलर्स नहीं दूंगा इस वीडियो के अंदर कोई भी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी इसके पीछे की कहानी क्या है, नई रिलीज डेट के पीछे की, कि किसी डिवेलपर ने, नॉटी डॉग के डिवेलपर ने इस गेम को पूरा ऑनलाइन फेंक दिया भाई, स्टोरी उठा के फेंक दी और साथ में स्क्रीनशॉट्स भी दे दिए, कुछ वीडियोस भी दे दिए, जिससे पता चलता है कि भाई वो डेवलपर्स बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा है। और उसने पता है ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एनोनिमसली उसने रीज़न दिया कि नॉटी डॉग में 7-8 महीने से जो ओवर टाइम चल रहा है इस गेम को लेकर, ओवर टाइम हमें काम करा रहे हैं, तो हमें बोनस नहीं मिला। उसने कहा भाई मेरे को बोनस नहीं है, बाढ़ में जाए तुम्हारी मेहनत। उसने पूरी गेम उठा के ऑनलाइन पैक दी, स्टोरी के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ, वीडियो के साथ। और मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों से यही रहेगी कि अगर आप गूगल करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन मत ढूंढना भाई। मैंने इस कीड़े के चलते मैंने तो ढूंढ लिया, मैंने तो उस पूरी स्टोरी पढ़ भी ली है, स्क्रीनशॉट्स भी देख लिए, लेकिन भाई आप मत देखना क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप नहीं खेलना चाहोगे इस गेम को। स्टोरी में ये नहीं कह रहा स्टोरी से डिसअपॉइंट हो जाओगे आप वैसे, क्योंकि यार देखो इन गेम्स का मेन सेलिंग पॉइंट क्या होता है, सिंगल प्लेयर गेम्स का, किसी भी सिंगल प्लेयर गेम का मेन सेलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी स्टोरी। अब आपको स्टोरी पता चल जाएगी तो आपका आधी एक्साइटमेंट तो वहीं पर ख़त्म, आधी से ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको बस ये रह जाएगा कि चलो ठीक है गेम खेल के देख लेते हैं, तो सस्पेंस वगैरह खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि मत ढूंढना, आपको इजीली मिल जाएगा, जिन लोगों के अंदर ज़्यादा कीड़ा वो जाकर ढूंढ भी सकते हैं। मेन बात ये है कि अब द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू की स्टोरी सामने आ चुकी है, तो अब नॉटी डॉग की आधी सेल्स तो गई भाई, बहुत लोग इस गेम को रिजेक्ट करने वाले हैं सिर्फ इसलिए। पहली बात तो ये इसलिए रिजेक्ट करने वाले थे कि चलो रिलीज डेट लेट है, लेकिन अगर गेम अच्छी निकले तो तब भी लोग इस चीज़ को माफ़ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं तुमने हमारे अच्छे एक्सपीरियंस के लिए गेम को डिले करा। लेकिन अब किसी डेवलपर ने उठा के पूरी मेहनत उनकी ऑनलाइन फेंक दी है, तो भाई आधे लोग तो ये कहेंगे यार तुम यार अपने डेवलपर्स को काबू में नहीं रख सकते यार, क्या चल क्या रहा है ये। एक तो आधी दुनिया वैसे ही प्रॉब्लम में चल रही है, ऊपर से नॉटी डॉग के ऊपर एक और नई प्रॉब्लम, तो भाई पूरी गेम का एक तरह से सत्यानाश हो चुका है ऑलरेडी। अब इस गेम को सिर्फ ये गेम खुद ही बचा सकती है अगर इस गेम के अंदर लिटरली जो गेम प्ले और जो पूरा इसका जो सेटिंग दिखाई गई है पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की, हर चीज़ अच्छे से अगर प्ले आउट करती है तो जाके ये गेम कुछ रिवेन्यू कमा पाएगी अच्छा खासा, नहीं तो भाई फ्लॉप होने की कगार पे। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बहुत पहले भी बोला था, मुझे वो वीडियो मिली नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप में से किसी को याद हो कि वो कौन सी वीडियो है, उसका लिंक दे देना नीचे कमेंट सेक्शन में और उसका नाम बता देना वीडियो का, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो में ये बोला था एग्जैक्टली मुझे याद है कि इस गेम से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि पहला पार्ट जितना अच्छा होता है मोस्टली देखा गया कि सेकेंड पार्ट उन गेम्स का इतना अच्छा नहीं होता, तो ये चीज़ मैंने बोली थी इस गेम के लिए और वो चीज़ अब सच होती दिख रही है। मैं क्या बोलूँ यार, आप लोगों की क्या रिएक्शन है इसको लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी भाई इस गेम से। मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है और मैं आपको ये रेकमेंड दोबारा से करूँगा कि मत जाना गूगल पे, मत लिखना द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू लीक्स, क्योंकि फिर आप जाओगे लिखोगे पढ़ोगे और फिर आके यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे भाई हमने तो पढ़ लिया, अब हम क्या करें, हम रो रहे हैं, हमें नहीं पता करना था। क्योंकि एक बार आप पता कर लोगे क्या होने वाला है, पूरी लीक्स के साथ है वो, तो आप कहोगे यार शिट बैड मूव।
तो दैट्स इट गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना नीचे कि कौन कौन अब दोबारा से प्री ऑर्डर करेगा, क्योंकि आप में से कई लोगों के प्री ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए होंगे और आपको पैसे रिफंड आ गए होंगे कि आप दोबारा प्री ऑर्डर करोगे जून 19th के लिए। और घोस्ट ऑफ सुशीमा जिन लोगों ने प्री ऑर्डर करी थी उनका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। दैट्स इट गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसी जबरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तो ठीक है एंड बाय।